अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड से रिलेट करता हूँ। मैं CA फाइनलिस्ट हूँ और एज एन इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। मैं आइडियल टैक्स कंसल्टेंट का मैनेजिंग डायरेक्टर कम पार्टनर हूँ। तो मैंने सोचा, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ क्वेश्चंस हैं हमारे सिटीजन्स को, पाकिस्तान के सिटीजन्स को, के रिटर्न ऑफ इनकम जो एक टैक्स मैटर है, जो आजकल एक हॉट इशू चल रहा है कि हम फाइल करें या ना करें, और करें तो क्यों करें और कैसे करें। और हमारे कुछ प्रैक्टिशनर ने नो डाउट मतलब मिसगाइड भी किया हुआ है, एक्स्ट्रा फीस भी चार्ज करते हैं, तो जिसकी वजह से लोग गुरेज करते हैं कि हम अपना रिटर्न फाइल करें। इस चीज़ को भी गुरेज करते हैं कि हम अपने एसेट्स किसी और को ना बताएं। तो व्यूवर्स, उस डिफ़िकल्टी पे काबू पाने के लिए मैंने आपके लिए सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को बताऊं कि आप रिटर्न ऑफ इनकम कैसे फाइल कर सकते हैं। आप खुद फाइल करें, अपना किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001, जो पाकिस्तान में टैक्स का लॉ है, उसको मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है और होता क्या है, उसके पीछे जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो व्यूवर्स, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मैं एक नया प्लेलिस्ट ऐड करने जा रहा हूँ जो टैक्स से रिलेटेड होगा। तो इंशाल्लाह मेरी कंप्लीट कोशिश होगी, फुल कोशिश होगी कि मैं आपके साथ अच्छे तरीके से हर टॉपिक को एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैं IRS में जाके, जहां पे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया जाता है, मैं लाइन बाय लाइन इनकम टैक्स आर्डिनल 2001 के क्लॉज से रिलेट करते हुए वो आपको क्लॉज दिखा के उस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा और उसकी इम्प्लीकेशन बताऊंगा, पूरा आपको डिटेल एनालिसिस दूंगा, जैसे आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकें। देखें, आप ये तो सोच रहे होंगे कि यार अब्दुल जब्बार अपना एक टैक्स फॉर्म चला रहे हैं और ये सारी चीज़ें हमें कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। नहीं व्यूवर्स, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, जिस हालात से मैं गुजरा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ की डोर स्टेप पर नॉलेज मिले। इंशाल्लाह मेरे और भी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंशाल्लाह आपको इस YouTube चैनल के थ्रू पता चलेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जैसे आपको मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ शेयर हो सके, आपको नोटिफिकेशन मिले। तो लेट्स स्टार्ट विद कि कौन रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के लिए कंपलसरी रिक्वायरमेंट में होता है और रिटर्न ऑफ इनकम होती क्या है। तो लेट्स डिस्कस। तो व्यूवर्स, लेट्स स्टार्ट विद रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अच्छा उसका फॉर्मेट आपको पूरा IRS पे मिल जाएगा, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आप बताते हैं कि आपने पूरे साल में कितना कमाया। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने पूरे साल में कितना कमाया। अच्छा, अब कमाने के डिफरेंट तरीके होते हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। मैं आपको सिंपल बताऊँ, कमाना आप सैलरी से कमा सकते हैं, आप बिज़नेस से कमा सकते हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची उससे आपको प्रॉफिट हुआ, वो भी एक कमाना हो गया। आपके पास कोई ऐसा एसेट था, जैसे आपको मैं ये कहूँ कि आपके पास कोई पेंटिंग थी, आपके पास कोई गोल्ड था, आपने वो बेचा, आपने मुनाफे में बेचा, वो भी आपकी इनकम हो गई। या किसी और तरीके से, जैसे आप कंपनी में, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कंपनी एट द एंड ऑफ ईयर आपको अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड के नाम पे कुछ प्रॉफिट देती है, तो वो भी एक कमाना हुआ। तो कमाने के पांच ज़रिए बताए हुए, सोर्स बताए हुए इनकम टैक्स में। अगर आप उन पांच ज़रियों में से किसी भी ज़रिए से आप कमाते हो तो आप रिटर्न ऑफ इनकम में इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को, FBR को ये बताते हो कि भाई मैंने इस ज़रिए से इतना कमाया। तो रिटर्न ऑफ इनकम ये है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे हम अभी डिस्कस करते हैं कि रिटर्न ऑफ इनकम कौन कौन फाइल करने के लिए कंपलसरी रिक्वायरमेंट में आता है। तो व्यूअर्स, इनकम टैक्स आर्डिनेंस के हिसाब से जो बंदे रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न है, मतलब किसको अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है सालाना, तो उसमें कंपनी आती है।
कंपनी तो आपको पता है, मैं उसकी डेफिनेशन में नहीं जा रहा, पर कंपनी एंग्रो हो गई, एफएफसी हो गई, माड़ी पेट्रोलियम हो गई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, भले उस कंपनी की जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट है या नहीं है, कुछ भी है उसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है। एग्जेम्प्ट मतलब इनकम टैक्स आर्डिनेंस में कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि यार ये इनकम आप लोगों की एग्जेम्प्ट है, इस पे टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, भले एग्जेम्प्ट हो कंपनी को रिटर्न फाइल करना है, पहली बात हुई है। दूसरा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता क्या है, मैं आपको सिंपल बताऊं भाई, एक से ज़्यादा लोग, दो लोग, तीन लोग, चार लोग मिलके एक कारोबार चलाते हैं, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाता है। मतलब आप इसको सिंपल वर्ड में थोड़ा पार्टनरशिप नमूने का भी कह सकते हैं। अच्छा, हर एसोसिएशन ऑफ पर्सन को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं, हर एसोसिएशन ऑफ पर्सन को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन तब रिटर्न फाइल करेगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन तब रिटर्न फाइल करेगा जब उसकी एनुअल इनकम 2013 साल में 4 लाख से एक्सीड करेगी, 4 लाख से एक्सीड करेगी। अब आप कंफ्यूज होंगे, सोच रहे होंगे 2013, अब क्या करें, इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2013 ही बताया हुआ है। तो अगर एओपी की 4 लाख से 2013 में इनकम, एनुअल इनकम एक्सीड करती है तो वो रिटर्न फाइल करेगी। सेम इंडिविजुअल के लिए भी यही है कि भाई अगर आपकी इनकम 2013 के साल में एक्सीड कर रही है 4 लाख से, तो आप रिटर्न फाइल करेंगे। अच्छा, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। आगे कह रहा है कि अगर किसी भी पर्सन, किसी भी पर्सन मतलब उसमें कंपनी आ गया, इंडिविजुअल आ गया, एओपी आ गया, उसको अगर पिछले 2 सालों में टैक्स के लिए चार्ज किया गया है, टैक्स के लिए चार्ज किया गया मतलब उससे टैक्स लिया गया है पिछले 2 सालों में, अब वो ऐसा नहीं कह सकता कि यार इस साल में तो मेरी इनकम ही नहीं है तो मैं रिटर्न फाइल नहीं करूँगा। नहीं, रिटर्न आपको फाइल करनी है, आपको रिटर्न फाइल करनी है। दूसरा, ये हमारे पास बिजनेस चल रहे होते हैं और बिजनेसेस को लॉस हो रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं? लॉस हो रहे होते हैं। आप नया स्टार्टअप करते हो, आपको लॉस होते हैं, तो आप सोचते हो कि यार, आप देखते हो कि कोई एक्सपर्ट, टैक्स एक्सपर्ट मेरे जैसा आपको बताता है कि यार आप अपना लॉस जो है ना वो सेट ऑफ करवा लें, एडजस्ट करवा लें अपनी आने वाली इनकम के साथ, कैरी फॉरवर्ड करवा लें, ठीक है ना, कि यार ये लॉस है मेरा इस साल में 2019 में, तो 2020 में जो मेरी इनकम होगी उसके साथ में इसको एडजस्ट करूँगा, तो कैरी फॉरवर्ड कर दें। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया हुआ है तब भी आपको रिटर्न ऑफ इनकम आपको अपनी फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा दूसरा आपको मैं बताऊँ, ऐसा बंदा जिसके पास इमूल प्रॉपर्टी हो। अच्छा, इमूल प्रॉपर्टी होते क्या होती क्या है, लफ्ज़ से भी जाहिर है, इमूल प्रॉपर्टी जो मूव ना कर सके, जैसे बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग फ्लैट वगैरह आपके पास है, आपके पास घर है। अच्छा, तो इनकम टैक्स आर्डिनेंस ने हमें इसमें भी पूरा एक्सप्लेन किया है कि भाई आपके पास कितना एरिया का घर होना चाहिए और लोकेशन भी बता दी है, तब जाके आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करोगे। तो उसने असल में अपने आप को एरिया वाइज दो तरीके से सेग्रीगेट किया है, अलग किया है, एक है रेटिंग एरिया और दूसरा वो एरिया जो म्यूनसिपल लिमिट्स में आ रहा हो। अच्छा, रेटिंग एरिया को अगर हम एक्सप्लेन करें तो रेटिंग एरिया मतलब दूर दराज का इलाका, दूर दराज का इलाका, दूर दराज, और म्यूनसिपल लिमिट्स जैसे नॉर्मल हमारा कराची हो गया एट्सेट्रा, ये म्यूनसिपल लिमिट्स के एरिया में आते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि अगर आपके पास लैंड एरिया 250 स्क्वायर यार्ड या उससे ज़्यादा है जो म्यूनसिपल लिमिट में फॉल करती हो, तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है। उसके बाद उन्होंने रेटिंग एरिया के लिए लैंड एरिया 500 स्क्वायर यार्ड्स रखा। तो आप जहन में रखें क्या किया उन्होंने, ये किया रेटिंग एरिया और म्यूनसिपल लिमिट्स एरिया को अलग किया, और उन्होंने लैंड का ये बताया कि अगर लैंड आपके पास 250 स्क्वायर यार्ड्स या उससे ज़्यादा है म्यूनसिपल लिमिट में, तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है। और अगर आपके पास 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ज़्यादा है रेटिंग एरिया में लैंड एरिया, तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है। उसके बाद उन्होंने फ्लैट के बारे में बताया, उसी तरीके से रेटिंग और म्यूनसिपल लिमिट्स। उन्होंने फ्लैट के बारे में ये बताया, अगर आपके पास फ्लैट है, म्यूनसिपल लिमिट है, भले कोई भी स्क्वायर यार्ड है, कुछ भी है, आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है। इस पर उन्होंने स्क्वायर यार्ड का कोई नहीं बताया। हाँ, रेटिंग एरिया का उन्होंने बताया कि अगर रेटिंग एरिया में आपके पास
2000 स्क्वायर फिट या उससे ज़्यादा का फ्लैट है तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है करना है। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि लोग गाड़ियां भी ओन करते हैं, उसके बाद उन्होंने लोगों ने इनकम टैक्स आर्डिनेंस ने गाड़ियों के बारे में बताया कि आपके पास अगर 1000 cc या उससे ज़्यादा की, फिर से बता सुने, 1000 cc या उससे ज़्यादा की कोई भी व्हीकल है आपके पास तो भी आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है। अच्छा, उसके बाद ऐसा बंदा भी जो अपने शो में आके कि यार मैं भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हूँ, उसने NTN तो ले लिया, अब वो ऐसा नहीं कर सकता कि रिटर्न ऑफ इनकम फाइल ना करे, उसको भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है। और हम डिस्कस करते हैं ऐसा बंदा जो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो। क्या हो? कमर्शियल या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, मतलब आपके पास कोई दुकान है, आपने उसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगाया हुआ है, बिजली है आपके पास, लाजमी बात होती है, या आपने कोई इंडस्ट्री लगाई हुई है जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आपने बिजली लगाई हुई है, उसका एक साल का बिल जो आपका अपना टैक्स ईयर है, उस साल का बिल 1 मिलियन से एक्सीड करता हो, मैं फिर से बता रहा हूँ कितना, 1 मिलियन से एक्सीड करता हो, तो वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के लिए कंपलसरी रिक्वायरमेंट में आ जाता है। अच्छा, उसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल आपको बताऊँ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए है ही नहीं, मतलब उनका मकसद प्रॉफिट कमाना है ही नहीं, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, पर अगर उसने अपना स्टेटस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लिया हुआ है तो उसको, उसके लिए मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि उसको रिटर्न फाइल कब करना है, भले कुछ भी हो उसको रिटर्न फाइल करना है। अच्छा व्यूअर्स, FBI का इतने क्लासेस लाने से दिल नहीं भरा, उन्होंने ये भी कह दिया कि जिसको हम कहेंगे उसको भी रिटर्न ऑफ इनकम अपना फाइल करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, ये था कि रिटर्न ऑफ इनकम क्या है और किस किस को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है। इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा कि रिटर्न ऑफ इनकम और मतलब उसकी एग्जेम्पशन क्या है, कौन से बंदे हैं जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करना चाहिए उनको, उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर आपका टैक्स ईयर July 1st से June 30 है तो आपके लिए रिटर्न ऑफ इनकम कब कंपलसरी, आपके लिए कंपलसरी है कि आप उसको फाइल करें, मतलब आपकी ड्यू डेट क्या है इंशाल्लाह। और उसके बाद हम IRS में डायरेक्ट जाएंगे और वहाँ से लाइन बाय लाइन आपको मैं चीज़ें समझाऊंगा, उनको लिंक करूंगा इनकम टैक्स आर्डिनेंस से, और मैं बताऊंगा कि यह लाइन आइटम का सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, आपको कहां से इसका अमाउंट मिलेगा इंशाल्लाह। सो फार व्यूवर्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं और सब्सक्राइब तो करें, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ चाहिए तो, वरना ना करें। अस्सलाम वालेकुम।